13 जनवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हमें मिले हैं क्वेश्चन, वो मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूँ इस वीडियो में। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं। और अगर उनके स्कोर जो है 70 स्कोर भी वो कर रहे हैं तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर आ रहा है, रीजनिंग का लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है और क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, स्टैटिकल बेस जीके जो पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि इस बार कट ऑफ उठ के जाएगा 75-80 नंबर, क्योंकि लोगों का जो स्कोर हो रहा है वो 60-65 के करीब और 68-70 के करीब ही हो रहा है। उससे ज़्यादा स्कोर मैं किसी का सुन नहीं रहा हूँ अभी तक। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, अगर आपके 70 नंबर भी आते हैं तो आपके लिए उम्मीद की किरण बाकी है और आपका जो है फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है। तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल आप शुरू कर देना अगर आपके 70 नंबर भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए 13 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये सुना क्वेश्चन तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा हॉकी स्टेडियम है, तो वो सिलारू हॉकी स्टेडियम है। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो है वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है? आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है और किस ज़िले से है? तो बैडमिंटन खेलते हैं ये आदित्य जोशी जी, और इनका संबंध जो है वो धार ज़िले से है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं 1402 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था। तो 1402 ईस्वी में जब आप विकिपीडिया खोलेंगे और 1402 ईस्वी में सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो 1402 ईस्वी में जो मालवा का शासक था वो दिलावर खान था। और यही स्टैटिकल जीके है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल, मतलब ये पीएससी का लेवल का प्रश्न है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा जो है आपको डीमोटिवेट होने का नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों से भी उतना ही पेपर बन रहा है जितना आपसे बनने वाला है। तो ऑलरेडी जो है पेपर कट इन होने की वजह से जो है कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, लेकिन जो आपसे बनता है उसकी तैयारी अच्छे से करे रखिए ताकि वो ना आपका बिगड़े। और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत की जीडीपी से संबंधित भी कोई प्रश्न था एग्ज़ाम में, वो पता नहीं चल पाया कि जीडीपी के यानी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी कितना घाटा है, ये कुछ ऐसा पूछा गया था। सामने वाला जो बंदा है वो क्लियरली बता नहीं पाया कि जीडीपी से क्या प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? हाँ, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कहता है वो ये कहता है कि आनंद भवन और स्वराज भवन कहाँ पर हैं। तो ये प्रयागराज में मौजूद हैं, आनंद भवन और स्वराज भवन, ठीक है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है। तो बहुटी जलप्रपात है, पहले चचाई था लेकिन अब बहुटी हो गया है, बहुटी जलप्रपात। और इसकी जो ऊंचाई है वो 198 मीटर है और ये जो है रीवा में मौजूद है, ठीक है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ की चोटी है और ये जिला होशंगाबाद में है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है और ये महादेव पहाड़ी पर है। दमोह का प्राचीन नाम पूछा गया था, तो दमोह का प्राचीन नाम एक तुंडी केर भी चलता है और दमयंती, रानी दमयंती और राजा नल की जो पत्नी थी जिनकी प्रेम कहानी चली नरवर के किला जिनसे संबंधित है, तो उसी हिसाब से जो रानी दमयंती थी वो दमोह की रानी थी और इसी का इसको दमयंती भी कहते हैं, ठीक है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर पूछा गया, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा हॉकी स्टेडियम है? तो ये सिलारू हॉकी स्टेडियम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। देख लीजिए कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? तो ये इससे कोई प्रश्न था, क्लियर प्रश्न नहीं था कि ये क्या है, तो मैंने प्रोटोजोआ जनित रोग से जो है तो ये है अमीबिक पेचिस यकृत शोथ और यकृत में फोड़ा आदि रोग उत्पन्न करता है जो है प्रोटोजोआ जनित रोग जो होते हैं, ठीक है? तो आपको प्रोटोजोआ जनित रोग से संबंधित जो भी है आपके पास मटेरियल उसको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन था ब्रायोफाइटा से संबंधित कोई प्रश्न था, तो उसमें ये था कि ब्रायोफाइटा क्या है, तो अपन उसको देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा वो होता है वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है, इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते, जैसे मॉसेस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट आदि। यह संसार के हर भूभाग में पाया जाता है और परंतु यह मनुष्य के लिए किसी प्रकार से विशेष रूप से उपयोगी नहीं है, ठीक है? और ये कि असम का लोक नृत्य का प्रश्न है जो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो ये प्रश्न थे जो आज फर्स्ट शिफ्ट में देखे गए हैं।
पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप 70 स्कोर भी करते हैं जनरल कैटेगरी में तो भी आपके लिए चांसेस बने हैं कि आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है तो, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो बनता है उस पर ज़्यादा विश्वास रखिए, ना कि कुछ नया सीखने की अपेक्षा। अगर आपके पास समय है तो मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छा फोकस करके उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप एमपीजी के और एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही प्रत्येक सेप्ट में पुट ऑन हो रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के पुट ऑन हो रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन जीके के पुट ऑन हो रहा है, और करंट अफेयर भी 2 से 3 नंबर का आ रहा है। तो इस प्रकार से एक मिक्स्ड जो है आपके पास पेपर आ रहा है, बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे आपको मार्गदर्शन करने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।